गाइज, कल की वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि बिटकॉइन के प्राइस में हमें 40,700 से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी यहां से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ये भी बता था कि हम यहां से शॉर्ट करने वाले हैं। हमने शॉर्ट किया, हमने दो टारगेट रखे थे, 39,000 फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हुआ हमारा, सेकेंड टारगेट था वो है 38,500 का, ये दोनों के दोनों टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। गाइज, अब फिर से हमने एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, जैसे ही RSI में यहाँ से क्रॉसओवर हुआ और BTC का प्राइस 38,500 से ऊपर आया, मैंने लॉन्ग की पोजीशन ले ली है। उसके बाद हमारे टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट है 39,600 का, ये वाला टारगेट है, और सेकंड टारगेट रहेगा 40,700 का। गाइज, मैं पहला ही टारगेट लेके चलूँगा, यहाँ तक अगर प्राइस आता है बिटकॉइन का तो मैं ऑलमोस्ट पूरा का प्रॉफिट बुक कर लूँगा और निकल जाऊँगा इस ट्रेड से। सेकंड टारगेट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। गाइज, ये था बिटकॉइन का आज का एनालिसिस। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम कुछ ओल्ड कॉइन के बारे में बताने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ ओल्ड कॉइन बताए थे, कुछ में एंट्री अचीव हो चुकी है, कुछ में बची हुई है। गाइज, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी बाई कर लेंगे तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी BTC के प्राइस में और कितना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अभी BTC का जो मैंने टारगेट बताया था उसको अचीव होने के बाद BTC के आने वाले कुछ एक से दो दिनों में कहाँ पे प्राइस आ सकता है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिया है BTC का प्राइस यहाँ यहाँ तक जा सकता है, यानी 39,600 तक तो मान के चलिए, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर 40,700 से फिर से इसमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो BTC के प्राइस में फिर से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। BTC का प्राइस 37,200 के एरिया में हमें अभी देखने को मिल सकता है आने वाले एक से दो दिनों में। गाइज, अगर आप फिर से शॉर्ट करना चाहते हैं तो 40,700 से यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है, थोड़ा सा डाउन आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से आपको जितने भी सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूं। पहला तो जॉब को लेकर थोड़ा सा सीरियस हूं, और सेकंड जो अभी अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं दूसरी लोकेशन पे, उसके वो भी ज़्यादा सूट नहीं कर रही है वहाँ का इन्वायरमेंट, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। गाइज, इसीलिए आपको रेगुलर अपडेट नहीं मिल रही। अब से रेगुलर अपडेट मिलेंगी, जितने भी मैं आपको फ्यूचर में ट्रेड खुद लूँगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अभी मैंने जो ओपन कर रखी है वो है BTC की ट्रेड है, लॉन्ग ओपन कर रखा है, मैंने आपको बता दिया है 39,600 पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और सेकंड टारगेट भी मैंने आपको बता दिया 40,700 का। अगर यहाँ तक भी प्राइस जाता है, फर्स्ट टारगेट अचीव होता तो हम निकलने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड से। गाइज, कल मैंने आपके साथ डोजकॉइन का भी सिग्नल शेयर किया था, उसमें अभी तक हमारी एंट्री अचीव नहीं हुई है। मैंने आपको बोला था 0.136 के आसपास अगर डोजकॉइन का प्राइस आता है तो तभी बाई करना है। गाइज, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली हुई है इस एरिया में, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ये ब्रेक हुई, उसके बाद फिर से प्राइस में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, यानी अच्छा पंप देखने को मिला। अभी फिर से डाउन आया लेकिन हमारी एंट्री अचीव नहीं हुई। हमें वेट करेंगे, जब तक हमें डीप में नहीं मिलता डोजकॉइन तब तक हम बाई नहीं करेंगे। अभी डोजकॉइन कितना ऊपर जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 0.15 का आप टारगेट लेके चलिए। अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं यहाँ तक प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। फिर से अगर डोजकॉइन का प्राइस वापस से डाउन मिलता है 0.136 के आसपास तभी आपको बाई करना है, अदरवाइज अभी आपको होल्ड करके बैठना है बाई कर रखा तो, और आपको प्रॉफिट इस एरिया में बुक करना है वो भी बता दिया है। गाइज, और भी हम रेगुलर अपडेट लाते रहेंगे, बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन बहुत सारे ओल्ड कॉइन अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिनके मैंने सिग्नल तो रेडी कर रखे हैं बट वीडियो शूट करना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। अगर ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर ठोक दें।